दोस्तों, भारत का बांग्लादेश के लिए चौंकाने वाला फैसला। जी हां, आपने सही सुना, भारत अब अपने पुराने डीजल लोकोमोटिव यानी रेलवे के पावरफुल इंजन बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों? ऐसा क्या हुआ कि कभी भारत से कंधा मिलाकर खड़ा रहने वाला बांग्लादेश अब सेकेंड हैंड इंजन खरीदने की कोशिश कर रहा है? बात कुछ ऐसी है कि बांग्लादेश की मौजूदा आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि उसे हर चीज सस्ती से सस्ती दर पर खरीदने की नौबत आ गई है। पहले भारत को बराबरी का घमंड दिखाने वाला बांग्लादेश अब इस कदर टूट चुका है कि वह सेकेंड हैंड चीजें खरीदने को मजबूर हो गया है। यही वजह है कि भारत ने अपने पुराने लेकिन अब तक शानदार सेवा देने वाले 80 डीजल लोकोमोटिव इंजन को बेचने का निर्णय लिया है। क्या बांग्लादेश के पास वाकई कोई और विकल्प नहीं बचा? भारत का यह कदम केवल बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। भारत ने 2022 में लगभग 30 करोड़ डॉलर के रेलवे रोलिंग स्टॉक दुनिया भर के देशों को निर्यात किए हैं। और क्या आपको पता है इनमें कौन कौन से देश शामिल हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम। जी हाँ, ये वो देश हैं जो भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव की गुणवत्ता पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन अब बात सिर्फ बांग्लादेश तक क्यों सीमित हो गई है? क्या बांग्लादेश के लिए भारत से मदद लेना इतना जरूरी हो गया है? दरअसल बांग्लादेश का रेलवे नेटवर्क पुराना हो चुका है और वहां के रेलवे सिस्टम को सुधारने के लिए उन्हें नए और उन्नत इंजनों की सख्त जरूरत है। लेकिन बांग्लादेश, जो पहले अपने पैरों पर खड़ा था, अब ऐसा क्यों हो रहा है कि उसे भारतीय सेकेंड हैंड इंजन खरीदने पड़ रहे हैं? यहां तक कि बांग्लादेश पर भारत का कर्ज भी लगातार बढ़ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ने 2010 से अब तक बांग्लादेश को करीब 8 अरब डॉलर का कर्ज दिया है, लेकिन बांग्लादेश ने इसका बहुत कम उपयोग किया है। और यही नहीं, भारत द्वारा दिए गए कर्ज की शर्तें भी कड़ी हैं, जिससे प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही है। क्या बांग्लादेश इस कर्ज के जाल से कभी बाहर निकल पाएगा? और बात यहीं खत्म नहीं होती। बांग्लादेश को अब न केवल भारत से मदद लेनी पड़ रही है, बल्कि चीन ने भी उसे 20 अरब डॉलर का कर्ज देने का वादा किया है। लेकिन क्या बांग्लादेश भारत की तरह चीन से भी कर्ज लेकर अपने भविष्य को खतरे में डाल रहा है? बांग्लादेश की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या वह डिफॉल्ट कर सकता है? हाल के वर्षों में बांग्लादेश को कुछ गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जैसे कि विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, बढ़ता व्यापार घाटा और बढ़ती महंगाई। ये संकेतक बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था दबाव में है। लेकिन यह कहना कि बांग्लादेश निश्चित रूप से डिफॉल्ट करेगा, थोड़ा जल्दबाजी हो सकता है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं है कि वह श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंच गया है। हालांकि देश ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे कि IMF से कर्ज लेने की योजना, ताकि वह अपनी वित्तीय स्थिति को स्थिर कर सके। बांग्लादेश को IMF से लगभग 5 अरब का पैकेज मिला है, जो इसे कुछ हद तक राहत प्रदान करेगा। बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले कुछ समय में तेजी से घटा है। इससे आयात के लिए भुगतान करने में मुश्किलें आ सकती हैं। ईंधन की कीमतों में वृद्धि और महंगाई ने देश की जनता पर बोझ बढ़ा दिया है, जिससे घरेलू मांग कमजोर हो रही है। बांग्लादेश ने विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से कर्ज लिया है, जिसमें भारत और चीन प्रमुख हैं। अगर वैश्विक आर्थिक स्थितियां खराब होती हैं, तो इन कर्जों का भुगतान करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि बांग्लादेश की स्थिति उतनी नाजुक नहीं है जितनी श्रीलंका की थी। फिर भी अगर उसे अपनी वित्तीय नीतियों और कर्ज प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया, तो डिफॉल्ट का खतरा बढ़ सकता है। क्या चीन मदद करेगा? चीन की मदद के सवाल पर यह कहना काफी दिलचस्प होगा कि चीन की भूमिका बांग्लादेश की मौजूदा आर्थिक स्थिति में क्या हो सकती है। हाल के वर्षों में चीन ने विभिन्न देशों, विशेषकर विकासशील देशों को कर्ज देकर उनके बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान दिया है। ये खास तौर पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का हिस्सा रहा है, जिसके तहत चीन बड़े पैमाने पर कर्ज देकर देशों में सड़कों, बंदरगाहों और रेल परियोजनाओं को विकसित करने में मदद करता है। बांग्लादेश भी चीन से आर्थिक सहयोग
और कर्ज ले चुका है। 2016 में चीन ने बांग्लादेश को करीब 20 अरब डॉलर का कर्ज देने का वादा किया था, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंध मजबूत हुए। बांग्लादेश ने इस कर्ज का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किया, जो उसकी विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण थे। चीन का रणनीतिक और आर्थिक हित बांग्लादेश में है, खासकर उसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए। बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण देश है, जो चीन के BRI के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऐसे में चीन मदद कर सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। चीन की कर्ज देने की शर्तें अक्सर सख्त होती हैं, जिनमें कई बार बुनियादी ढांचे पर चीन का नियंत्रण या चीनी कंपनियों की भागीदारी की शर्तें शामिल होती हैं। इससे बांग्लादेश पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है और इसे कर्ज जाल, डेट ट्रैप में फंसने का खतरा हो सकता है, जैसा कि श्रीलंका के मामले में देखा गया। चीन सिर्फ आर्थिक सहायता देने के अलावा बांग्लादेश के रणनीतिक स्थान का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। बांग्लादेश के बंदरगाह और इंफ्रास्ट्रक्चर चीन के लिए दक्षिण एशिया में अपने व्यापारिक और सैन्य हितों को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि चीन एक आर्थिक महाशक्ति है, लेकिन वह भी वैश्विक आर्थिक मंदी और अपनी आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसलिए हो सकता है कि चीन बांग्लादेश को पूरी तरह से मदद न कर पाए या कर्ज देने में अधिक सतर्कता बरते। चीन से अत्यधिक कर्ज लेना, जैसा कि हमने श्रीलंका और अन्य देशों में देखा है, बांग्लादेश को संकट में डाल सकता है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI और उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति, जिसके तहत वह हिंद महासागर क्षेत्र में बंदरगाहों और सैन्य आधारों का नेटवर्क विकसित कर रहा है, भारत के लिए पहले से ही चिंता का कारण है। अगर बांग्लादेश चीन से बड़े पैमाने पर कर्ज लेकर चीन के प्रभाव में आता है, तो यह भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। भारत बांग्लादेश का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021 से 2022 तक 18 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। अगर बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति और खराब होती है, तो इसका असर भारत के साथ उसके व्यापार पर भी पड़ेगा। बांग्लादेश भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि बांग्लादेश पर चीन का प्रभाव बढ़ता है, तो यह क्षेत्र में भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है, और इस क्षेत्र में सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़ी चिंताएं हमेशा से मौजूद रही हैं। बांग्लादेश में चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अस्थिरता पैदा कर सकती है। भारत ने बांग्लादेश को कई प्रकार की आर्थिक मदद और कर्ज दिए हैं। अगर बांग्लादेश चीन के कर्ज को प्राथमिकता देता है, तो यह भारत के लिए एक कूटनीतिक झटका हो सकता है। इससे बांग्लादेश के साथ भारत की आर्थिक और कूटनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है और चीन का प्रभाव बढ़ सकता है। अगर बांग्लादेश चीन से मदद लेता है और उस पर अत्यधिक निर्भर हो जाता है, तो इससे भारत को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे भारत बांग्लादेश के आर्थिक, सुरक्षा और कूटनीतिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं। भारत को इस स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया देनी होगी, ताकि वह अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ रिश्तों को मजबूत बनाए रख सके और क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने में अपनी भूमिका को और भी प्रभावी बना सके। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर तक आप जानेंगे कि कैसे भारत और बांग्लादेश के बीच का यह आर्थिक सहयोग आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों को नया मोड़ दे सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम इस कर्ज, बांग्लादेश की कमजोर होती स्थिति और भारत के बढ़ते प्रभाव पर और भी चौंकाने वाले खुलासे करने वाले हैं।